स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास, आई एम सिमरन मैम, योर इंग्लिश टीचर. इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पार्ट डी, पार्ट ई एंड पार्ट एफ. हमने क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस किया था. ये चैप्टर हमारा एटलीस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसका एक लास्ट पार्ट बचा है, जी कंजक्शन का. ठीक है, ये करते हैं हम. यूजेस एंड बट टू ज्वाइन दीज सेंटेंसेस. एंड और बट कंजक्शन का यूज़ करना है इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए. ठीक है, देखिए फर्स्ट हमारा ही इज़ पोलाइट, ही इज़ हेल्पफुल. नोटबुक में देखते हैं. फर्स्ट है हमारा ही इज़ पोलाइट एंड ही इज़ हेल्पफुल. वह सभ्य है और दूसरों की मदद करता है. एंड कंजक्शन का यूज़ हुआ है. ठीक है, सेकेंड है स्नेहा प्लेज द पियानो. स्नेहा पियानो बजाती है. सी डज नॉट सिंग वेल, लेकिन वह अच्छा नहीं गाती है. तो स्नेहा पियानो बजाती है, लेकिन बट हमारी कंजक्शन का इसमें यूज़ हुआ है, लेकिन वह अच्छा गाना नहीं गाती. ठीक है, थर्ड है राम ड्राइव्स द स्कूल बस. राम स्कूल की बस चलाता है. ही कीप्स इट क्लीन, और उसको क्या करता है, साफ रखता है. तो इसमें एंड कंजक्शन का यूज़ होगा. ठीक है, ही रन्स फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है. ही डज नॉट विन एवरी रेस, वह सारी रेस नहीं जीत सकता. ही रन फास्ट बट ही डज नॉट विन एवरी रेस, वह तेज़ दौड़ता है लेकिन वह सारी रेस नहीं जीत पाता. ठीक है, फिफ्थ है वी आर हंग्री, हमें भूख लग रही है. वी विल वेट फॉर डिनर टिल डैड कम्स, लेकिन जब तक पापा नहीं आ जाते हम डिनर स्टार्ट नहीं कर सकते, नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसमें हमारे किस कंजक्शन का यूज़ हो रहा है, बट कंजक्शन का. माना वाशिश था डिसेज, माना बर्तन धोती है. एंड हर सन वेप्स देम, और उसका पुत्र क्या करता है, उसको पोंछता है. ठीक है, उन बर्तनों को. तो हमारे इसमें कौन सी कंजक्शन यूज़ हुई है, एंड कंजक्शन. क्लास ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. ये लास्ट टॉपिक था जी कंजक्शन वाला, क्लियर है. अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पैटर एंड द फॉरेस्ट. विल स्टार्ट. मैरी स्मिथ वाज ए यंग बार विंडो. मैरी स्मिथ मीरा अनुकरण, यंग युवा, और बार विंडो का मतलब होता है युद्ध विधवा. मीरा अनुकरण एक युवा युद्ध विधवा थी. ठीक है, हर हस्बैंड वाज ए ब्रिटिश नवल ऑफिसर. नवल का मतलब होता है नौसेना, और ऑफिसर अधिकारी. उसका पति एक ब्रिटिश नौसेना का अधिकारी था. ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान. ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान. द ग्रेट क्वीन एलिजाबेथ, एक महान रानी एलिजाबेथ. आई सेंक का मतलब होता है डूब गया. दिस शिप वाज प्राइड ऑफ इंग्लैंड. प्राइड का मतलब होता है गौरव. यह जहाज इंग्लैंड का गौरव था. इट वाज थॉट का मतलब सोचना. दैट द ग्रेट ब्रिटिश शिप वाज इम्पेरिगनेबल. इम्पेरिगनेबल का क्या मतलब होता है, अभेद. उसने सोचा ब्रिटिश जहाज अभेद था. हावेवर इट फेल ए प्रे टू द जैपनीज सबमरीन टॉरपेडो. हावेवर का मतलब क्या होता है, हालांकि प्रे का शिकार, और सबमरीन पनडुब्बी. हालांकि यह जापानी पनडुब्बी टॉरपेडो का शिकार हो गया था. ठीक है, द वर्ल्ड हियर्ड एंड सा इट सिंकिंग विद विंडेड आइज. विंडेड का मतलब चौड़ी, और सिंकिंग का मतलब क्या होता है, डूबना. ठीक है, उन्होंने दुनिया ने इसे सुना और देखा. यह चौड़ी आंखों के साथ डूब रहा था. ठीक है, हियर एंड सा सुना और देखा कि यह चौड़ी आंखों के साथ डूब रहा था. सो गाइज, आज के लिए बस इतना. थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में हम इसका बाकी का जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.